महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात के भी किसान बुलेट ट्रेन के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के विरोध में सड़क पर उतरे। मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त लहजे के बाद व्हाट्सएप की अफवाहों पर केंद्र सरकार हरकत में आई, कहा व्हाट्सएप गैर जिम्मेदार और विस्फोटक संदेशों को फैलने से रोके। गौरक्षकों की हिंसा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें गौरक्षकों की हिंसा पर लगाम लगाएं। दिल्ली के बॉस सीएम अरविंद केजरीवाल या एलजी अनिल बैजल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। बालटाल में भूस्खलन से 5 अमरनाथ यात्रियों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंचा। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने माना कि बैंकों में लोगों का भरोसा घटा, बैंकों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 बच्चों तक 10 दिन बाद खाना और दवा पहुंचाई गई, बाहर निकालने का अभियान जारी। टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को उसके घरेलू मैदान पर 8 विकेट से शिकस्त दी, 5 विकेट झटकने वाले कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच बने। और पेनल्टी शूटआउट से इंग्लैंड ने कोलंबिया को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री पाई, 24 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची स्वीडन से अगला मुकाबला होगा।